27 दिसंबर को प्रदेश की जयराम सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल को जश्न के रूप में मनाने सहित नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जनता को जागरूक करने और कांग्रेस पार्टी द्वारा अफवाह फैलाने के खिलाफ प्रदेश भाजपा द्वारा बिलासपुर में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के नव निर्वाचित जिला अध्यक्षों व मंडलाध्यक्षों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर और प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 27 दिसंबर को प्रदेश की जयराम सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल को जश्न के रूप में मनाने सहित नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जनता को जागरूक करने और कांग्रेस पार्टी द्वारा अफवाह फैलाने के खिलाफ प्रदेश भाजपा द्वारा बिलासपुर में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के नव निर्वाचित जिलाध्यक्षों व मंडलाध्यक्षों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती, कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर और प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान प्रदेश सरकार के 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के चलते शिमला में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से 25,000 कार्यकर्ताओं सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन बिल को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जिला मुख्यालयों से लेकर मंडल स्तर पर बुद्धिजीवी सम्मेलन का भी आयोजन करने पर चर्चा की गई है। वहीं बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए सतपाल सती ने कहा कि प्रदेश सरकार का 2 वर्षों का कार्यकाल जहां उपलब्धियों से भरा है, तो वहीं कार्यकाल के पूरा होने पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। देश की जनता के आशीर्वाद और सहयोग से 2 वर्ष पहले हमारी हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट बनी। उस गवर्नमेंट को बने हुए 27 दिसंबर को 2 साल हो रहे हैं, तो इस 2 साल के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने शिमला के रिज मैदान के ऊपर रैली का आयोजन 27 दिसंबर को रखा है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी विशेष रूप से वहां पर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सब नेतृत्व वहां पर पहुंचेगा। हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग जी और सभी एमपीज, एमएलए, पूर्व एमएलए, पूर्व एमपीज सब लोगों को निमंत्रण हम लोगों ने दिया है, तो 25,000 से ज़्यादा लोगों कार्यकर्ताओं की रैली हम लोग शिमला में 27 दिसंबर को कर रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने जहां पर मीटिंग रखी थी, हम अपना रिपोर्ट कार्ड 2 साल का सरकार का लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो इन रैली का विरोध कर रही है, इन्वेस्टर मीट का विरोध कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी हिमाचल विरोधी के रूप में आज काम कर रही है, वो नेताविहीन और नीतिविहीन पार्टी के रूप में आगे बढ़ रही है, तो उनकी हम सब लोग निंदा करते हैं कि वो लोग झूठे इल्जाम लगा करके भारतीय जनता पार्टी को प्रणाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा विषय जो आज इस मीटिंग का प्रमुख रूप से विषय था, देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पास हुआ है, उसके बिल के बारे में अफवाहें फैला करके इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी है, वो जनता को भड़का करके बरगला करके इस देश के अंदर दंगा फैलाने की कोशिश कर रही है, जो उनकी शुरू से नियत रही है और नीति रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।